गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं और आपका डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर का गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इन्हीं पुरानी लाइनों के साथ आपकी नई क्लास। ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरी क्लास देखना, तभी समझ में आएगा। इसके पहले आप लोगों ने 8 क्लास पढ़ लिया है और हम इस समय घनमूल यानी कि क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। कुछ ही प्रकार के नंबर बचे हैं जिनका घनमूल निकालना हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। ये मत सोचना कि इसमें टाइटल और थंबनेल डीएलएड बीटीसी का लगा है तो ये उसी के नाम हो गई क्लास। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट की दृष्टि से सबके लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे तो टेट सी टेट एसएससी आरआरबी कोई भी परीक्षा आपको देना होगा, लेकिन अगर बेसिक सीखना है तो ये डीएलएड यानी कि बीटीसी की जो क्लास है आपके लिए भी बहुत ही काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने सिंपल नंबर का घनमूल देख लिया, माइनस वाले का भी देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे दो परिमेय संख्याओं का घनमूल निकालना जिनके अंश और हर यानी कि डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट क्यूब हो, मतलब पूर्ण घन हो, ठीक, मतलब जिनका घनमूल पूरा पूरा निकल जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 343/512 यानी कि 343/512, तो इसको आप जैसे इसका घनमूल करते थे, किसका, 343 का, एक एक का करना बताया है ना, वैसे आप निकालेंगे इनका भी। बस करना क्या, दोनों को एक साथ में लेके चलना है। जैसे इसको आगे हम बराबर कर लें और इसको हम लिख सकते हैं 343, यहाँ पर तीन जरूर लिखना सामने, अगर तीन ना लिखोगे यहाँ पर तो ये वर्गमूल हो जाएगा, इसलिए तीन लिखोगे तभी घनमूल की पहचान रहेगी। और नीचे ये क्या होगा, 512। अब अगर लिखना है एक साथ में, आपको याद है तो आप जल्दी से लिख सकते हो, वैसे भी कि 7 × 49 = 343 होता है और 8 × 64 = 512 होता, मतलब 7/8 आ जाएगा। लेकिन इसे आप एक सीरियल से करना, एक नियमानुसार, तो ऐसे नहीं करोगे, इसको आप गुणनखंड करके भी इसी में दिखाओगे। ये कुछ लोगों को ना समझ में आ रहा होगा कि ये हो कैसे गया, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको पक्का मालूम होगा। देखिए ये 7 × 7 = 7 जो आया कैसे आया पता है, ये 343 का ऐसे गुणनखंड करेंगे, 7 × 49 नहीं जाएगा, 7 × 4 × जाएगा, 7 × 28 घटाओगे 34 में से जब 28 को तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, हो जाएगा 63, 7 × 63 यानी कि 7 × 9 = 63, फिर 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 7 = 49, फिर 7 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो है गुणनखंड की यानी कि फैक्टर निकाला तो 3 यानी कि 3 × 7 = 7 आ गया। इस तरह से इसका भी निकाल लोगे 550 का। आप जानते हो इसमें तीन तीन का पेयर बनाते हैं, तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, तो एक एक बाहर निकल जाएगा, कुल मिला के फाइनल में 7/8 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन पहला सोल्यूशन हो चुका है। ध्यान से समझना, अभी होमवर्क भी देंगे सेम टू सेम, और करके लाना, हर एक क्वेश्चन को करोगे तभी कुछ होने वाला है। कुछ लोग जो ऐसे शर्माते रहते हैं, कुछ नहीं करते ना, फिर वो ऐसे शर्माते ही रहेंगे लाइफ भर। तो इसलिए जितना भी होमवर्क दिया जाए उसको करिए, और ना आए तो पूछिए। अगला क्वेश्चन लिखिए इसी टाइप का, अगर माइनस में हो तब देखो, जैसे ये लिखा है -125 और ये 1728, इसका कैसे करेंगे गुणनखंड, वैसे करोगे सेम टू सेम, लेकिन अगर आपको इन नंबर के बारे में पहले से पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको मालूम है इसमें हम वर्गमूल का निशान लगा के और एक इस पे 3 लिख देंगे, मतलब ये घनमूल हो गया, क्यूब रूट। अब अगर आप 25 का गुणनखंड करोगे तो आपको मालूम है 5 × 5 होगा, लेकिन 125 का करोगे तो क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर ध्यान ये देना कि यहाँ माइनस लगा है ना, तो इधर एक छोटा सा बात देख लो, जैसे माइनस हमने 4 लिखा है ना, तो इस 4 को अगर हम ऐसा कर दें, माइनस का झंझट छुड़ा दें इसके साथ से, इसको हम क्या करें, ये -1 और इसको 4 अलग कर दें। अब बताओ तभी इसका मतलब वही होगा ना, 4 का गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा, लेकिन उसके साथ से ही अलग हो जाएगा, तो आपको हल करने में आसानी होगी। इसको आप कर सकते हो -1 और −125, 125। अब 125 का आप जोड़ा बना लीजिए अलग से
और उसको हल कर लीजिए। या फिर एक लाइन इसमें हम और भी बढ़ा सकते हैं, आप लोग भी लिख लो जल्दी से, एक लाइन और भी बढ़ा लो, देर से आए पर दुरुस्त आए, है ना। तो ये हो जाएगा -1, इस पे अलग लगा दो क्यूब, और ये 125 पर अलग। आप जानते हैं कि 1 का अगर आप क्यूब वगैरह निकालेंगे या उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही आता है, तो इससे कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये 1728 हो गया। अब इसके सामने आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, आप पाएंगे इसमें कि 6 बार लगभग 2 से कटेगा, उसके बाद ये 3 बार कटेगा 3 से। अगर नहीं पता तो बताना, गुणनखंड करके आपको दिखा दिया जाएगा। तो 1 का क्यूब सभी लोग निकालना जानते हो ना, 1 आएगा, लेकिन माइनस लगा इसलिए क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो गया -1, और इंटू 125 का आप जानते हो, 5 25 5 125, लेकिन यहाँ पर दिखा देना लिख के। तो लिख के दिखाओगे तो क्या होगा, 5 × 5 × 5, नीचे 1728 का गुणनखंड करके देख लो कितना बार आता है, ये 6 बार 2 से कटेगा। गुणनखंड करना हमने बहुत अच्छे से बता दिया है, जीरो लेवल मैथ में भी बताया है और DLED में भी बताया है। अगर इधर साइड कट रहा होगा तो बता देना, दिख तो रहा है ना, इधर साइड हम 3 बार और लिखेंगे, 3 3 3, बस बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए ध्यान से देखना। देखो इसका गुणनखंड आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ये पूरा गुणा कर लेंगे सब तो वही आएगा 1728। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और हाँ एक बात ध्यान रहे, ये यहाँ चिन्ह मत भूलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिखा मैंने, क्यूब का अगर लगा है निशान तो उस पर 3 लिखना ज़रूरी है, अगर 3 नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो गया, फिर मतलब वो वर्गमूल कहलाएगा, घनमूल नहीं कहलाएगा। यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लीजिए। अब फाइनल में देखिए, -1 हो गया और इसमें से एक जोड़ा बन जाएगा, एक 5 बाहर निकल जाएगा। नीचे से आप देखते हो यहाँ पर 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं, इसमें से 1 2 निकल जाएगा, दूसरा से 1 2 और 1 3 निकल जाएगा। इस तरह से -5 और 2 × 4 = 12, -5/12 यानी कि -5/12 आ गया। नोट कर लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक करके, जिससे आप बाद में समझ सकें, ठीक ना। बातों को समझिए, देखिए, दोनों करेंगे तो समझ में आएगा, अगर केवल देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा, केवल सुनेंगे तब भी ना आएगा, इसलिए दोनों करें साथ साथ में। जैसे जैसे हमने बताया इसी तरह का इन क्वेश्चंस को आपको घर से करना है। देखिए 2 सवाल हमने बताए हैं, 3 सवाल अब आपको घर से करना है। अगर जितना देर पढ़ोगे कोचिंग या क्लास में, उतना टाइम अगर खुद के लिए निकालोगे पढ़ने के लिए, तभी कुछ होने वाला है। अगर सोचो क्लास में पढ़ लें बाकी दिन भर मौज मस्ती में रहें तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन है 1 64/125, और इसमें एक और भी लिख लो, तीसरा नंबर, -27/-7 to 9। ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको घनमूल निकालना है, और ये सभी परफेक्ट क्यूब नंबर हैं, बहुत ही आसान है। कोशिश करना, अच्छा लगेगा, आएगा भी, और जब आएगा तो मज़ा आएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ ना होगा। और लगा करके जो लोग ज्वाइन किए हैं व्हाट्सएप पर भेजेंगे, और जो नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर लेंगे, जिससे वो सीख सकें घर बैठ के, ठीक ना। देखिए एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल है, इसमें दो दो चिन्ह लगे हुए हैं, एक पहले लगा है एक बाद में भी लगा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखते हुए समझ गए होंगे कि इसका आंसर प्लस में आएगा, लेकिन अगर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको टिक्का मारना है तब तो आप कर लोगे कि प्लस में आएगा। बट ये जो DLED यानी कि BTC का एग्ज़ाम है, इसमें आपको करके दिखाना होता है विस्तार पूर्वक, कैसे आया और क्यों आया, है ना। तो चलिए आपको करा के दिखा देते हैं। देखिए इसमें कैसे करेंगे आप, ये माइनस जो बाहर लगा इसको ऐसे लगा दीजिए, इसमें बिल्कुल कोई छेड़छाड़ ना करिए, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। अंदर वाला जो है इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ये -27 है ना, इसको आप लिख सकते हो -1 × 27, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, है ना, लिख सकते हो। तो ये करना आसान हो जाएगा, इससे जो है माइनस का पीछा छूट जाएगा, और इसको आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो, बाद में जो होगा रिजल्ट उसमें माइनस लगा देना बस। तो इसको हमने कर दिया -1 × 27, यहाँ पर 3 वैसे लिख दीजिए। अब आगे देखते जाइए,
ये इनटू में है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि दो परफेक्ट क्यूब नंबर का घनमूल निकालना जब वो गुणनफल के रूप में दिए हों, आपने सीख लिया पहले से, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक ना। माइनस पहले लगा दो और ये माइनस वन का क्यूब हो गया, और दूसरा एक आप 27 का क्यूब अलग से कर लीजिए, ठीक। अब आप सभी को मालूम है बहुत अच्छे से 27 के बारे में, इसका जब आप क्यूब करोगे माइनस वन का तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। और जो बाहर माइनस लगा है इसको आप एक काम करो, कोष्ठक बंद करके अगर अंदर में कर लो और माइनस बाहर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगी। ये इस तरह से अगर आप रखोगे तो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। वन का निकालोगे तो क्या होगा, फाइनल में वन ही आएगा, इसका क्यूब वन हो जाएगा। और 27 का निकालोगे तो आप जानते हो, ये इधर साइड में हम करके दिखा दें, ये 3 × 3 × 3 हो जाएगा, इसका एक जोड़ा बन जाएगा, मतलब फाइनल में इसका जो घनमूल है वो 3 आ जाएगा, है ना। एक लाइन आप और बढ़ा लीजिए, ये कन्फ्यूजन ना हो जिससे कुछ भी, इसका घनमूल देखो माइनस में आएगा, है ना। माइनस में कोई भी नंबर है तो उसका घन जो है माइनस में ही आता है। अब ये कोष्ठक खोल लो आप, माइनस पहले लगा, अंदर में भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको एक में गुणा करोगे तो कोई फ़र्क ना पड़ेगा, वही नंबर रहेगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा करें तो वही संख्या उत्तर आती है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ता है। तो ये 3 आएगा, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसके आगे अगर आप हम आपको बताएं तो वो नई हेडिंग होगी, दशमलव जो पूर्ण संख्याओं का घनमूल निकालना है, मतलब दशमलव संख्याएं जो पूर्ण घन पहले से हो उनका घनमूल। जो दशमलव वाले सवाल होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, अगर इनको हम समझ जाएं तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर ना समझें तो बहुत मुश्किल भी लगते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये है 0.216, आप जानते हो कि अगर आपको केवल और केवल 216 दे दिया जाए और इसका क्यूब रूट पूछा जाए तो शायद हर कोई बता लेगा, लेकिन इसमें जो दशमलव लग जाता है इसको देख करके काफ़ी परेशानी महसूस होती है ना। तो दशमलव को आप हटा दीजिए, जितना ही मुश्किल ये दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग और बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले से बताए हैं, अगर आपको नहीं आता है सुबह 5 बजे वाली जीरो लेवल मैथ देखिए, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो बटा लड्डू हैं आप, तो आपको गणित सिखाने की पूरी गारंटी है। आप ये नंबर पर संपर्क करें, जीरो लेवल ज्वाइन करें, कक्षा 1 से मैथ पढ़ें, अगर वो आता है तो फिर इसको देख सकते हैं। करते क्या है हम, इसमें देखिए 3 अंक पर दशमलव है ना, तो पहले जो अंक हैं उनको वैसे लिख लेते हैं चुपचाप, जैसे भी हैं इनको ऐसे उतार लेते हैं, उसके बाद एक लाइन खींच कर नीचे 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बाद हम गिनते हैं दाहिनी साइड से कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 3 अंक है ना, तो इसके नीचे जितना अंक वो था उतना ही 0 बढ़ा देंगे, बस इतना ही करना होता है। और वही काम हम इधर भी करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा √216/1000। अब देखो कितना आसान हो गया, दशमलव भाग गया है ना। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, 216 का कहीं पर फैक्टर निकाल लीजिए साइड में, तो आप पाओगे निकाल के, देखो 6 × 6 × 6, 2 × 6 = 36, 6 × 2 = 16 होता है, यहाँ पर 3 लिखते जाइए। 1000 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 10 × 10 × 10 3 बार होगा, इस तरह से इसका जोड़ा बना दें, पेयर बना दें, तो ये कितना, 6 1 में से निकल जाएगा, 10 1 में से निकलेगा, 6/10 आएगा, है ना। इसको चाहें तो आप काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं, सरल करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ये 5 3/5 आएगा, नोट कर लीजिए। अभी इसी तरह का एक आध दो सवाल और बताएंगे, फिर आपको होमवर्क देंगे। देखिए मुसीबत कई तरह की होती है, अगर होमवर्क देते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जितना पढ़ाते नहीं उतना होमवर्क दे देते हैं, नहीं देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि आप जो पढ़ाते हैं उसको हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो फिर वो कहावत सुने हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ मुसीबत आई, वही हाल हमारे लिए होती है। तो हम अपने मन का करेंगे, अब आप लोग का किसी का नहीं, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें भी देखो 1 अंक पर दशमलव लगा है, 1.728,
1728 से आप पहले से परिचित होंगे, अगर आपने 7 क्लास तक देख लिया, 8 क्लास तक, तब है ना। तो ये क्या करेंगे, बस वही प्रक्रिया जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हो। इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो ये 1728 बन जाएगा, 3 अंक पर दशमलव था तो नीचे 1000 हो जाएगा। फिर आप इस पे क्यूब लगा देंगे जैसे था वैसे। 1728 का आप गुणनखंड कर लीजिए। जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे गुणनखंड करके कि इसमें 2 × 2 × 2 6 बार आएगा, 3 × 3 × 3 जो है 3 बार आएगा। करके देख लेना, हमने किया इसलिए आपको बता रहे हैं। गुणनखंड करना हम बहुत पहले आपको सिखा दिए हैं, जिनको नहीं आता वो कमेंट करेंगे, वो भी फिर से बताया जाएगा। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा इसका गुणनखंड। गुणनखंड कैसे होता है आप सीख चुके हो पहले से। 1000 का करेंगे तो 10 × 10 × 10 होगा। और एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे अंडर रूट लगा है ना, ये जो भी लगा है क्यूब वाला, इसको यहाँ तक आना चाहिए बीच वाली लाइन तक, तभी ये दोनों पे माना जाएगा, नहीं तो सिर्फ एक पे माना जाएगा। अब जोड़ी बना लो इसकी, तीन तीन की, ये ज़्यादा ना हो ना एक कम हो। इस तरह से आप देखेंगे ऊपर दो दो का दो जोड़ा है, 3 का 1 जोड़ा है, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2 × 2 × 3, नीचे मिल जाएगा 10, 2 × 2 = 4, 3 = 12/10, 2 से काट दोगे, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, यानी कि 6/5 आएगा। कितना आएगा? 6/5 आएगा। ये हो गया आपका दूसरा भी क्वेश्चंस। अब आप लोग की फिर वही बारी आ गई होमवर्क वाली, उसको जल्दी से नोट करना। देखिए जिस टाइप का सवाल बताएंगे उस टाइप का आप घर से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बिना बोले, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं। ये नहीं कि अब हम लगा करके बैठ के चिल्लाएंगे भाई उतारो उतारो, तो आप उतारेंगे। और हाँ, जिसका कोई चीज़ छूट जाए, जैसे हम मिटा दिए आप ना लिख पाए, तो कोई भी अफसोस करने की बात नहीं है। वीडियो को पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, फिर से देख लीजिए। कोई बात नहीं समझ में आई, वीडियो को 2-3 बार टच करो, 30-40 सेकंड पीछे कर लो, फिर से देखो, बार बार देखो, चाहे 1000 बार देखो, ये कहीं जाने वाला नहीं है। बात समझ में आई ना? और हाँ, लेकिन अगर क्लास हर दिन देखना है, पूरा देखना है, वास्तव में घर बैठे सीखना है, तो क्लास को ज्वाइन करना है। बिना ज्वाइन किए कल्याण नहीं है। अगर नहीं करना है तो फिर यूट्यूब पर कुछ पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोर्स कंप्लीट ना होगा कभी। जल्दी नोट करिए 0.008। काफ़ी लोग तो इसी अफसोस में पड़े हैं, कंफ्यूज भी हैं कि ज्वाइन करें कि ना करें। तो आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, अगर पढ़ना है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एक बड़ा अजीब सा है, ये सही बटे में दिया है। और क्या है? 29 सही, 791/1000। क्या है? 29 सही, 791/1000। इसका घनमूल निकालना है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप हल करेंगे तो आसान है। सही बटा वाला भिन्न आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत पहले पढ़ाया था, है ना। सही बटा वाले भिन्न में क्या पढ़ा था आपने? जैसे अगर कहीं लिखा है 3 सही 5/9, तो क्या करते थे, इसका गुणा करते थे, इस नंबर में इसको जोड़ देते थे। जैसे 9 * 3 = 27, 27 में 5 जोड़ोगे तो 27 * 3 = 30, 2 * 32 = 9 आ जाता था। बात समझ में आई ना? वैसे आप इसको करोगे, जब 29 का 1000 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 29000 आ जाएगा। और 29000 में 791 जोड़ेंगे तो 29791 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप बचपन से पढ़े हैं अच्छे से तभी समझ में आएगा, वरना ये पल्ले नहीं पड़ने वाला है। 29 का इसमें गुणा करोगे, इधर देख लीजिए, 1000 से मल्टीपल करना है। देखिए जितना ज़्यादा जीरो होगा उतना मज़ा आता है गुणा करने में। सारा जीरो उतार लीजिए बिना किसी नियम कानून के वैसे। उसके बाद क्या करना है, जो नंबर दिया उसको इसमें पूरे में गुणा कर दीजिए। 29 * 1 = 29, देखिए चंद सेकंड में आ गया 29000। और इसको जोड़ना है, 791 जोड़ दो, ये देखो 0 के नीचे ही आ रहा है, कोई नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं आ रहा, इसलिए 0 जोड़ोगे तो ये सब वही रहेगा। और 29 का 29 हो गया। इस तरह से आपका मिला 29791, नीचे हो गया 1000। बात समझ में आई? ये हो गया पूरा कंप्लीट।
लेकिन अभी कहाँ क्या हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो सब बाकी है। इसका घनमूल निकालना था, ये अब आया असली रूप में। अब क्या करेंगे, 29,791 का आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, मतलब इसका फैक्टर निकालना है। और इसका फैक्टर निकालना जैसे लोहे का चना चबाना बराबर लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। और हम आपको बता दें, आप अगर इसको पहले से पढ़े हैं घनमूल को अच्छे से, तो आप कर ले जाएंगे। इसको काट काट के ट्राई करेंगे, किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ 31 से कटेगा लास्ट में, तो करके देख लेना। अब हम यहाँ पे गुणनखंड करना नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। ये 31 × 31 × 31 होगा, करके देख लेना, इतना ही आएगा। जब आप 1000 का करोगे तो 10 × 10 × 10 आएगा। इसीलिए शुरू शुरू में बोला था, बच्चा सभी लोग वर्गमूल घनमूल याद कर लीजिए 20-30 तक, बोला था ना, लिखवाया भी था जब क्लास शुरू हुई थी कि 20 का 400 होता है, वर्ग वाला बताया था ना, और 15 का 225 होता है। इस तरह से घन में भी बताया था कि 5 का 125 होता है, 8 का 512 होता है। लेकिन जब याद करें तब ना, सुनते इधर से उधर से निकल जाता है तो फिर कहाँ से आएगा। अब इधर मालूम चलेगा कि उधर याद किए होते तो कितना अच्छा होता है ना। अगर आप उधर याद किए होते 31 का घन याद याद होता अगर, तो ये आप कर ले जाते देखने के बाद तुरंत। इस तरह से जब इसका आप निकालोगे, 3 का 1 जोड़ा बनेगा, इसका 1 बनेगा, तो 31/10 आएगा। अगर इसका हमें दशमलव में निकालना है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 3.1 आएगा। हाँ, बात समझ में आ गई ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको आप यहाँ पर फिर ला के असली रूप में लिख दो जो पहले था, 29 सही 791/1000 बराबर आंसर आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से, और नहीं समझ में आए तो बोलिए। इसके बाद क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिख लीजिए घर के लिए, बस आज के लिए इतना ही हो चुका है इसमें। और 6:30 बजे से अगली क्लास देखना ना भूलना, 6:30 बजे से, जस्ट तुरंत होगी अभी, तुरंत बस 5 मिनट के अंदर 6:30 जैसे बजेगा वैसे आ जाना तुरंत। देखिए, ये जो भी क्लास आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। PBR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, जिसे फूहड़ भाषा में बोलते हैं घंटा को बजा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, है ना, तो उसको आप ऑन करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का। 15.625, इसका क्या करना है, आपको खुद से घनमूल निकालना है। बात समझ में आई ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी, आपके सवालों का जवाब आप तक उपलब्ध करवाएंगे। और अगर आप डेली पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप पर मैसेज करने से पहले ध्यान दें कि अगर आप 4 सेमेस्टर का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको 549 का पे करना होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा धंधा फैलाए हैं भाई, नहीं करना चाहिए, वो यूट्यूब पर देखते रहें, बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें। और अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो ज्वाइन कर लें। इस तरह से आपको व्हाट्सएप पर सारे क्लास के लिंक मिलेंगे, अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर किया जाएगा, और जो भी हो सकेगा आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं, सोच विचार कर लीजिएगा, मंथन करके फिर आप मैसेज कर दीजिएगा अगर करना होगा तो। नहीं करना होगा तो YouTube पर जो मिल रहा है देखते रहिए, बहुत सारी क्लास आपको मिलेगी, उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ अवश्य देखना, उसको भी मत भूलना। और 6:30 बजे से अभी जस्ट अगली क्लास होगी। 0 लेवल मैथ आपने 5 बजे देख लिया होगा अगर ज्वाइन किया है तो, नहीं किया है तो फिर कर लीजिएगा, और नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं, चलते हैं। जय हिंद, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में थोड़ी देर बाद, यानी कि अब से 6 मिनट बाद। थैंक यू।